नामाचार्य श्री रविदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गुरु गोपिका श्याम कुमार राधा कुंजी गोधन की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की श्री श्री राधा गोविंद बिहारी जी की समवेत गुरु भक्तवृंद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ग्रंथ तो जब भगवान प्रकट हुए तो उस समय भगवान
किस रूप में प्रकट हुए हैं, तो भगवान दो रूपा वाले श्याम सुंदर रूप से प्रकट नहीं हुए हैं, भगवान चतुर श्री नारायण सुंदर से प्रकट हुए हैं। अच्छा, अभी तस्वीर बनाई जाती है तो फोटो ऐसे बनाई जाती है कि वसुदेव देव की हाथ जोड़ के कुछ प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान चतुर्भुज स्वरूप से खड़े यहाँ पर शंख चक्र गदा पकड़े। मगर असली बात यह है कि भगवान खड़े नहीं थे, भगवान पड़े थे। उनका साइज ऐसा बड़ा सा नहीं था नारायण स्वरूप, वो जितना छोटा शिशु होता है उतने ही छोटे थे, मगर चतुर्भुज स्वरूप थे। अगर आप जाएंगे केरला की तरह तो वहाँ गुरु वायु मंदिर है, गुरु मतलब बृहस्पति जी और वायु देव, ये दोनों देवता रहते हैं, उस मंदिर की स्थापना की है। तो जिस स्वरूप से देवकी के सामने भगवान प्रकट हुए थे तो चतुर्भुज रूप, वही स्वरूप वहाँ पर गुरु और वायु मंदिर स्थापित किए, वहाँ गुरु वायु मंदिर है केरला। तो भगवान खड़े नहीं थे उनके सामने, भगवान पड़े होते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जन्म लेता है वैसे जन्म लिए, मगर जन्म किस रूप में लिए, महामंत्र बोले हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज ठीक करिए सर। हरे कृष्णा रुकिए ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसको थोड़ा और ठीक करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आप लोगों को आवाज़ साफ सुनाई दे रही है पीछे माताओं को, और समझ में भी आ रहा है शब्द इधर सबको, क्लियर एकदम ना? इसका सीटी बंद करो। हरे कृष्ण। तो जब भगवान प्रकट हुए फिर दब गई आवाज। फिर जब भगवान प्रकट हुए तो वसुदेव और देवकी दोनों भगवान की स्तुति करने लगे। तो बहुत सुंदर रूप से वसुदेव स्तुति की है, और वसुदेव की स्तुति करने के बाद देवकी माता भी स्तुति की है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा थोड़ा और ठीक। इसी माइक से ठीक आ ही रहा था ना। हरे कृष्णा इसका ठीक आ रहा था ना। इसी को लगा दो बेकार, इसमें आवाज अच्छे हैं, इसको हटा दीजिए, इसका आवाज ठीक है।
हरिबोल हरे कृष्ण। अभी आवाज़ अच्छा आ रहा है ठीक है। तो इस रूप में जब भगवान प्रकट हुए तो इस संसार के बच्चे की तरह प्रकट नहीं हुए थे। हरे कृष्ण ये चल रहा है ये आवाज ऐसा लग रहा है कि ऊपर से भगवान की आवाज आ रही है, उसके पास नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। छोटी है तो भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो किस रूप में प्रकट हुए थे? तो भगवान मुकुट धारण किए थे, बहुत सारा गहना पहन रहे थे और पीत रंग के वस्त्र भी पहन के भगवान प्रकट हुए। अच्छा हम में से कोई व्यक्ति का कपड़े पहन के पैदा हुआ था? कोई एक आज आपको भी सुने कुल के मेरे यहाँ में आप जाएंगे तो आपको कितना सारा भगवान मिल जाएंगे। किसी ने भगवान से जाकर पूछे कि आप जब जन्म दिए थे तो क्या पहन के पैदा हुए थे, वो है आप कुछ पहन के पैदा हुए थे मुकुट था सर के ऊपर मतलब ही नहीं, कुछ ज्वेलरी पहन के पैदा हुआ थे अभी ध्यान देना नहीं। और भगवान इतना सुंदर देखिए कि भगवान की धोती के ऊपर गर्भ का निशान तक नहीं था। कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके शरीर पे खून का दाग ये वो कितना सब कुछ होता है मगर अच्छा स्किन के ऊपर तो होता है, अगर कपड़े के साथ पहनता हुआ तो कितना निशान होगा उसके ऊपर। और भगवान की धोती ऐसी एकदम चमक रही है, एकदम निर्मल स्वच्छ, एक भी दाग नहीं था भगवान की धोती के ऊपर। अच्छा भगवान प्रकट हुए तो सबसे पहले वसुदेव भगवान की स्तुति की है और उसके बाद माता देवकी भगवान की स्तुति की। और माता देवकी को एक बहुत बड़ी चिंता ये थी कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जिस भगवान के उदर में है वो भगवान मेरे उदर से जन्म लिया तो लोग मेरा इस पर बहुत उपहास करेंगे। जैसी दिक्कत कौशल्या माता को हुई थी भगवान राम को जन्म देने में, भाई भगवान जन्म लिए तो बहुत सुख की बात है मगर जब संसार के लोगों को पता चलेगा कि जिस प्रभु के उदर में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड है वो तुम्हारे उदर से जन्म लिया क्या पत्र की बात करती हो तो कैसे हो जाएंगे, तो विश्वास करेंगे उदर के ऊपर। हमें भी जैसे उनको मामा बनाने के लिए कि जो भगवान सबको विश्व ब्रह्मांड उनके उदर में है वो तुम्हारे उदर में रख दिया और कुछ नहीं मिला था बोलने के लिए। तो देवकी माता को बड़ी चिंता थी कि लोग कितना उपहास करेंगे, कौन विश्वास करेगा इस बात के ऊपर। तो भगवान बोले कि देखो मैं चतुर्भुज रूप से तुम्हारे सामने प्रकट से इसलिए हुआ तुमको विश्वास दिलाने के लिए कि मैं झूठ नहीं बोलता, आगे झूठ बोलूँगा आखिर चोरी करके मगर वो झूठ सबसे ज़्यादा बढ़कर हो जाएगा। मैं अपने भक्तों को जो वचन देता हूँ उसको निश्चित रूप से पूरा करता हूँ। तो पूर्व जन्म में तुम जब ऋषि और सुतका के रूप से थे तो मेरी प्राप्ति के लिए बहुत कठोर तपस्या की है। इस रूप से जब भगवान जी तुमको सृष्टि करने के लिए बोले तो तुम लोग कुत्ते बिल्ली की तरह सृष्टि शुरू नहीं किए, तुम लोग तपस्या करने के लिए जिनकी शुद्धि के लिए तपस्या की जाती है। तो तुम लोग तपस्या करने गए और सबको सहन करके तुमने बहुत वर्षों का देवताओं के 12,000 साल तक सुतपा और कृष्णि ने तपस्या किया। सर्दी भी आई, गर्मी भी आई, बारिश भी आई, सब मौसम बदले मगर ये दोनों नहीं बदले। जैसी तपस्या गर्मी के मौसम में वैसी तपस्या बारिश के मौसम में, वैसी तपस्या शरद में, वैसी तपस्या कार्तिक में, वैसी तपस्या शीत में, वैसी तपस्या वसंत में, वैसी तपस्या ऋतु में। तो मौसम बदले, समय बदला, शरीर की अवस्था बदली, प्रकृति बदला मगर ये दोनों की भक्ति
नहीं बदलेगी, एकदम एक जैसी है। मनों के साथ ऐसा नहीं होता था, मौसम बदलता है हम बदलते हैं, लोग बदलते हैं हम बदलते हैं, शरीर बदलता है हम बदलते हैं, शरीर की अवस्था बदलती है तभी हम बदलते हैं। तपस्या इसी को कहते हैं, एक रूप में बने रहते हैं। जिसको अब विचारणी भक्ति भगवान भक्ति तब कहते हैं, नाम से विचारणी भक्ति वगैरह से बचे सर्वना समय पीता धर्म भूया कर पते। धर्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के लिए साधन कैसे करना पड़ता है, तो हर समय एक जैसा बना रहे व्यक्ति का बदलाव की स्थिति होती है। तब धर्मभूत प्रसन्नात्मा ना सो सकी ना काट सकी, ऐसा व्यक्ति जो धर्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है प्रसन्नात्मा हमेशा प्रसन्न रहेगा। न सोचती उसके जीवन में क्या कुछ बुरा हुआ, न सोचती उसके लिए दुख नहीं करता, और न कांक्षती भविष्य के लिए बहुत सारी योजना प्लानिंग ये चाहिए वो चाहिए कुछ नहीं, हमेशा प्रसन्न रहता है। तो इस तरीके से आप मेरे माता पिता बने, आप लोग तपस्या किए, तपस्या की आपकी तपस्या से प्रसन्न होते जब मैं प्रकट हुआ, तो आप मेरे से ये बता मांगे कि आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान को एक प्रॉब्लम हमेशा फेस करनी पड़ती है, जब कोई भक्त मुझसे प्रार्थना कर दे कि आपके जैसा बेटा चाहिए, भगवान बोलते हैं नाम पर कर्मचार्य किसी दृष्टि से गया। अर्जुन को गीता में बोल रहे हैं कि किसी मामले में मेरा डुप्लीकेट कोई नहीं हो सकता, मुझसे बड़े कुछ और उनके समान भी नहीं हो सकता किसी मामले में। अगर बोले कि अच्छा छल कपट के मामले में, बोले छल के मामले में मुझसे बढ़ के कोई नहीं हो सकता, मैं नंबर वन छल ले रहा हूँ। किसी मामले में अच्छा बुरा ये वो थोड़ा मान के चलो, भगवान से बढ़ के कोई नहीं हो सकता, भगवान के समान भी कोई दूसरा नहीं हो सकता। भगवान में कॉम्पिटिशन नहीं होता, उनके फॉलोअर्स में कॉम्पिटिशन हो सकता है कि हमारा भगवान बड़ा तुम्हारा भगवान बड़ा, मगर भगवान में कभी अच्छे जैसा झगड़ा शिव जी और कृष्ण का भी झगड़ा लगा, तो भगवान नहीं है मैं भगवान हूँ, नहीं नहीं घट तो भगवान ही है मैं भगवान हूँ, तू गलत भगवान बन गया। तो इसे ना कोई शास्त्र में वेद में पुराण में कोई ऐसी कथा जहाँ भगवान का झगड़ा भगवान से हो गया, कोई झगड़ा ही नहीं है। वैदिक शास्त्रों में एकदम क्लियर है कि कौन भगवान है। तो भगवान को समस्या क्या होती है, एक और जीते मनाते मैं तो सिंगल बीतों दूसरा देने हैं। अब अगर मैं ढूंढूं कि मेरे जैसा कोई दूसरा मिल जाए तुम्हारा बेटा बन जाए, ये संभव नहीं है। और यदि मैं चाहूँ कि मेरे जैसा कोई दूसरा बना दो तो वो भी भगवान नहीं बना सकते। तो भगवान को क्या करना पड़ता है, खुद ही बेटा बन के आना पड़ता है। तो बोले कि ये सब विचार मैं कर रहा था कि कैसे तुमको अपने जैसा बेटा दूँ, तो तुम्हारा पुत्र बनने में कुछ विलम्ब हो गया, कुछ देरी हो गई। तो दान का एक नियम होता है कि जिस समय दान देने के लिए कहा जाए, अगर सही समय तक दान ना दिया जाए तो तीन गुना देना पड़ता है। तो भगवान बोले कि हम प्रवचन दिए थे कि दान देंगे, कभी कभी होता है मंदिर निर्माण हो रहा है फिर हम भी देंगे 1,00,000 हमारी तरफ से 50,000। तो जब भगवान देने के लिए जाते हैं कि अब निर्माण करना है, गीता लाना है, फल लाना है, ये करना है, तो कल 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 जाते हैं। तो ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि अगर उसी समय नहीं रहेंगे समय आने पर तो तीन गुना देना पड़ेगा। हो सकता है इधर में नहीं तो दूसरे तरह में देना पड़ेगा, मगर देना जरूर पड़ेगा। तो भगवान बोले कि इसमें मेरे को तीन गुना देना पड़ा, तीन गुना कैसे, तीन बार तुम्हारा पुत्र हो गया। तो सबसे पहले जब तुम पुष्टि सुपटा थे तो पुष्टि के घर से पुष्टि जल के काम से हुआ, फिर उसके बाद तुम दोबारा जन्म लिए इस रूप में कश्यप और अंति के रूप से, तो मैं वामन देव के रूप से कुपेंद्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। साइंस में गौने थे छोटे थे गौने को वामन नाम पड़ेगा वामन, तो वामन देव के रूप से हुआ। और तीसरी बार तुमको बस ये विश्वास दिलाने के लिए कि देखो मैं ही हूँ, मैं तुम्हारे सामने पुत्र रूप से प्रकट हुआ हूँ, मैं अभी तो दूसरा मैं हुआ चिंता मत कर लिया अभी दूर हो जाता,
भगवान बोले कि अगर तुमको भय है कल का तो आप मुझको गोकुल पहुँचा दीजिए, नंद बाबा के पास पहुँचा दीजिए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तटस्थ शौर्य भगवत प्रचोदिता सूतम समारह से सूतिका देगा। तो भगवत प्रचोदिता आदेश कौन दिया, प्रेरणा कौन दिया, तो भगवान दिए। जब आदेश प्राप्त किए तो इस बुद्धि से वसुदेव सुने कि साक्षात भगवान का आदेश है इसको करना है। तो आदेश प्राप्त करते ही तुरंत भगवान को रोज रखा दिए। मगर जब बोध में लिए तो सूत्र समाधाय से सूटी का करेगा। उनकी भावना थी कि मेरा दादा है, मेरा बच्चा सूतम मतलब बेटा, मेरा बच्चा है, इसको सुरक्षा दे रही है। क्योंकि यदि उनके अंदर ये भावना बनी रहती है कि भगवान है, तो रास्ते में जब विघ्न बाधा आती है तो सोचते हैं कि भगवान है तो क्यों पानी लगा है, भगवान है तो क्यों भगवान है तो विघ्न की मारी है। अब कभी मंदिर से कुछ चावल वावल चोरी हो जाए तो बोलते हैं कैसा भगवान है, अपने चावल की रक्षा नहीं कर सकता। अरे चावल तो छोड़िए, अगर दो चार भगवान गायब हो जाए तो भी भगवान को फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान इतना शक्तिमान है, वो भगवान भक्तों को सेवा में लगाने के लिए जिम्मेदारी ले देते हैं कि तुम संभालो, उनको सेवा दे देते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान संभाल नहीं सकते। तो अगर भावना बनी रहती कि भगवान है तो थोड़ा दिक्कत आता, मगर भावना क्या थी, सूतम समाधाय से सूतिका कहा, ये मेरा सूत मेरा पुत्र है। यदा वही मंत्र वेश करेगा या योग माया जनी नंद जाएगा। और जिस समय यदा वही वस्तु जिस समय बाहर निकलना शुरू किए, उनके हाथ में लकड़ी पड़ी थी, हाथ बंधे थे, जैसे ही अपने पुत्र को कृष्ण को उठाने लगे लकड़ी खुल गई और पैर में जंजीरें थी। तो जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाए जंजीरें खुल गए, बढ़ाए नहीं बढ़ाने का सोचे, जैसे ही मन में संकल्प किए कि एक कदम आगे बढ़ना है जाना है तो पैर की हड्डियां खुल गई। अब आगे बढ़े तो कंस के कारागार के इतने सारे दरवाजे थे और दरवाजे भी बहुत विशाल दरवाजे थे। अब लोग पहले जमाने के दरवाजे देखे ही कैसे होते थे, बहुत मोटा लकड़ी के विशाल दरवाजे थे। आजकल कितने 6-7 फीट के दरवाजे बनाए जाते हैं, मगर अगर आप बहुत पुराना कोई मकान देखे होंगे या किसी का नया भी कुछ देखे होंगे तो कई फीट ऊँचे और बहुत मोटे मोटे दरवाजे होते थे। तो बहुत मोटे बढ़िया दरवाजे हैं और उसके अलावा उनके ऊपर बहुत बढ़िया से ऐसी कील लगाते, पहले लॉक वैसे नहीं होते थे, चाबी वाले लॉक नहीं होते थे, कीली वाले लॉक होते थे। तो कील जो वो अपने आप गिर जाती थी, कील अपने आप लॉक खुल जाता था। और जैसे आप कभी एयरपोर्ट पर जाएंगे या किसी बड़े मॉल शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो गेट के पास पहुँचते ही गेट ऑटोमेटिक खुल जाता है ना। तो अगर आज कलयुग में ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है तो जब भगवान के साथ ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती। लोग सोचते हैं कि हमें लोग ज़्यादा जानते हैं और व्यास देव भगवान ये सब लोग बैकवर्ड है, हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं और व्यास देव को इतना पढ़ना नहीं आता था, है ना, कि नहीं आता था, अनपढ़ बोला व्यास देव बताइए, है ना। व्यास देव को पढ़ना लिखना नहीं आता था, तभी तो बेचारे इतना ऐसे ऐसे श्लोक लिखे जिसको पढ़ने समझने में बड़े बड़े दिमाग माता खा जाते हैं। उनको तो ज्ञान नहीं था, है उनको कोई लिटरेचर का ज्ञान नहीं था, उनको फिलोसफी का ज्ञान नहीं था, तो अनपढ़ दबा था। आजकल हम लोग तो स्कूल पढ़े जाके लिटरेट हो रहे हैं, गणेश जी इलिटरेट थे, अनपढ़ क्या गणेश जी मानते थे, हाथी की समझ में नहीं आया, हाथी का मन था। मगर व्यास देव बोलते थे और गणेश जी लिखते थे। मगर आजकल के लोग समझते हैं कि पहले जमाने में सब अनपढ़ दबा रहे हैं, उनको तो कुछ पढ़ाई लिखाई करते हैं। खैर मैं बोल रहा था कि एक तो फ्री ऑटोमेटिक दरवाजे की तरह दरवाजा खुल जाता था और उसे जो पार लगते थे तो जितने पहरेदार होते थे वो सब सो जाते थे। और कैसे सोते थे कि उनकी जितनी इंद्रिय की वृत्ति थी सब खत्म हो जाती थी।
आँख से दिखाई नहीं देता, जैसे हम लोग कभी सो जाते हैं, मगर अगर कोई भारी आवाज होगी तो आँख खुल जाती है। कान से सुनाई की मशीन भी बदल सकती है भगवान। भगवान की माया शक्ति सर्वेश जितनी इंद्रियां हैं आँख नाक कान खुद पता नहीं चल रहा। अच्छा कुत्ता आँख से देखता तो मैं नाक से सुनता जा रहा है। मथुरा के सारे कुत्तों की सारी वृत्ति खत्म कर रही है। अगर कभी कुत्ता आपको पहला देता है और सो जाए, ऐसा सोता हुआ कुत्ता भी अगर आप देखेंगे कोई कबाड़ी या कोई पंगी उठाने वाला आ जाता है तो उसकी स्मेल को सुन के कुत्ता तुरंत चल जाता है, भौंकना चालू कर देता है। तो ऐसा नहीं कि उसको सुला देने से काम पूरा हो जाएगा, उसकी एक एक इंद्रियों पर स्विच ऑन करना पड़ेगा। और भगवान की योग माया ने सबकी इंद्रियों पर स्विच ऑन कर दिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ताह कृष्ण बाहे वसुदेव आगते स्वयं विवर्तन यथातम हो रहे। कहते ताह कृष्ण बाहे, वो कृष्ण को ढूंढने वाले वसुदेव आगते जैसे आगे बढ़े तो स्वयं विवर्तन यथातम हो रहे। उनकी सारी बाधाएं ऐसे टूट गई जैसे रवे, जैसे सूर्य के आने पर अंधकार अपने आप चला जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि सूर्य के आने पर अंधकार को ढूंढना पड़ता है कि रात्रि सूर्य देव आ गए हैं कृपया अब चली गई है, ढूंढना पड़ता ढूंढे नहीं सकता। अभी मान लेते लाइट चली गए सब अंधेरा होता है, जैसे ही ये लाइट का स्विच ऑन करेंगे तुरंत प्रकाश हो जाएगा। ऐसा तो नहीं आता है लाइट का स्विच ऑन किया और इधर अंधेरे को ढूंढना पड़ता है कि अंधेरा तुम चले जाओ लाइट को आने दो, ढूंढना पड़ता है नहीं आता कि नहीं। अगर मान लीजिए कभी सूर्य देव मन में विचार करें कि मैंने जीवन में कभी रात को नहीं देखा, हरे कृष्णा इधर देखे अगर सूर्य देव अभी आ जाए तो क्या रात रहेगी? कभी जीवन में रात को देख नहीं सकते सूर्य, जैसे ही आ जाएंगे दिन हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अंधकार। इसमें कह रहे यथा तमो रहे, जैसे सूर्य के आने पर अंधकार चला जाता है वैसे ही कृष्ण के आने पर माया चली जाती है, सारी बाधाएं चली जाती है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रहेगा। जहाँ कृष्ण हो जाएंगे वह माया की एक नहीं चलती, एकदम हाय हाय करके भागती है। बहुत सुंदर ये श्लोक है, कहता कृष्ण बहे कृष्ण को ढूंढने वाले वसुदेव बाहे वहन कर रहे थे, उनके वाहन कर रहे थे। और हम सभी ढूंढ रहे हैं किसी न किसी को, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं उसको अपने हृदय में ढूंढ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हम अपनी पत्नी को, बच्चों को, घर प्रॉपर्टी फैक्ट्री दुकान ऑफिस मकान क्या कर रहे हैं, जिस चीज के बारे में सोचना उसके हृदय में ढूंढ रहे हैं। तो उसको ढूंढने से उसका चिंतन करने से व्यक्ति खुद को प्राप्त कर रहा है, मगर यही अपना चिंतन यदि भगवान की तरफ मोड़ रहे, अगर हम हृदय में कृष्ण को ढूंढने लगे तो हमारे जीवन की सारी बाधाएं वैसे खत्म हो जाएगी जैसे सूर्य के आगे रात्रि खत्म हो जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे तो बिल्कुल लास्ट में लंका में घुसते समय वहाँ लंका की रक्षा करने वाली लंकनी नाम की राक्षसी थी। तो जैसे ही हनुमान जी को देखी, हनुमान जी एकदम छोटा सा रूप धारण करके जा रहे थे। बोले कि चोर जितने भी चोर है चाहे छोटा रूप बना लो चाहे बड़ा रूप बना लो मेरी आपसे नहीं बच सकते। तो हनुमान जी सोचे तो राम की सेवा में बड़ी बाधा गई, तो एक मौका देकर आए। तो साधु की पिटाई भी बहुत काम करती है,
क्या करें, वो जब आग लगाई तो प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, प्रहलाद के लिए आग भी शीतल हो गई और होलिका को देवताओं का वरदान था, सारा वरदान फेल कर दिया। क्यों? भक्त के खिलाफ साजिश कर दिए जाते, सारा देवताओं का वरदान खराब हो गया, कैसे फेल, और होलिका जल गई, प्रहलाद महाराज के लिए तो ये बोली रखे गरल सुधार तू करही मिटाई, गोपन सिंधु अंश लाई, प्रदेशी नगर कीजिए सब राजा, हृदय राजपूत हो सको राजा। भगवान को हृदय में रखो और फिर अपना सब काम करो। यही भगवान भगवद गीता में अर्जुन को बोले, मां अनुस्मर युद्ध था, युद्ध करने को मना नहीं किया, बल्कि अर्जुन बोल रहे थे मैं युद्ध नहीं करूँगा, भगवान बोले बैठे बैठे मुझे ठीक अच्छा नहीं लगेगा, युद्ध करो, तुम्हारा जो कर्तव्य है उसको करो, मगर केवल रथे की तरह काम करने के लिए नहीं बोला जाता। कुछ लोग बोलते हैं गीता मतलब रथे की बात बोला, बोले अपना कर्म करो कर्म करो कर्म करो, भगवान क्या मनुष्य बनाए कथा बनाए, जब मनुष्य बनाए तो रथे की तरह काम क्यों करेंगे, मनुष्य वाला काम करेंगे, वो भूखी दिए है सोच विचार करने के लिए, तो शरीर से काम करो, भूखी से आध्यात्मिक विचार करो, माँ अनुस्मर तब युद्ध विचार तब फिर युद्ध कर जाओ। इसलिए हमारी वैदिक संस्कृति में क्या सब जगह गांव में शहर में मंदिर बनाए जाते हैं और सुबह के समय सब लोग मंगल आरती कूटेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, कुछ भागवत से सुनेंगे, तब अपने अपने काम धंधे पे जाते थे, किसान खेत में जाए, कोई अपने ऑफिस जो भी जाते हैं, और शाम को बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा नहीं कि सात दिन का आयोजन की बात है, ये गांव का रूटीन होगा, अपना काम धंधा करके आए, घर में कुछ भोजन नाश्ता कुछ इतना भोजन किया, उसके बाद किसी एक जगह पर सब लोग जुट जाते थे, 20-50 लोग जुट जाएंगे, और ऐसा नहीं कि वृंदावन से भक्त बुलाना पड़ेगा, गाँव का कोई आदमी रामचरितमानस से भागवत लेके बैठेगा, पढ़ के सुनाएगा, 20-50 लोग सुनाएंगे। टीवी नहीं देखते थे, जब से टीवी आया तब से सबको खराब कर दिया, और उस समय ज्वाइंट फैमिली होती थी, अब तो ज्वाइंट फैमिली कल्पना से परे हो चुकी है, अपना पति पत्नियाँ आपस में रोज झगड़ा कर रहे हैं, पहले 20-20 आदमी एक घर में रह जाता था खुशी से, और अब रोज जने भी घर में खुशी से नहीं रहते, गाली गलौज मार पीट दोस्त का धंधा हो गया है ना। एक बार की बात है कि एक वकील एक कोर्ट लगी थी, तो वकील जो था वो मुस्लिम था, तो उससे बार बार प्रश्न कर रहा था, और प्रश्न करते बोलता था कि हाँ या ना में जवाब दो, तो बोलता कि नहीं इस बारे में तो बताना जरूर नहीं, हाँ या ना एक बार बताओ, तो वे बोला कि जज साहब मैं भी वकील साहब से कुछ पूछना चाहता हूँ, अनुमति है, तो जज साहब बोले कि ठीक है पूछो, तो वकील साहब एक बार बताइए क्या आपकी पत्नी आपको रोज मारती है, हाँ या ना में बताइए। अगर हाँ बोलते हो तो कभी रोज मारती है, और अगर ना बोलते हो तो कभी कभी मारती है, और पिटाई थोड़ी थी। तो आज ऐसी स्थिति है कि जो जने भी सुख से रहने दे सकते हैं, मगर अगर जीवन में भगवान को रुचि के लिए बना ले तो देखिए कितने सारे लोग सुख से बिना लड़ाई कर रहे थे, एक साथ बैठे नहीं रहते, ये भारत में ही हो रहा है, आप सिनेमा हॉल में चले जाइए वहाँ 300-400 लोग होते हैं, मगर वहीं सीढ़ी को करते उतरते चार पक्ष आप ये दो लड़की छेड़ते हैं, दो चार की कटाई होती है, ये वो लोग मुझे जाते हैं ना, सुनते नहीं हट सकते, ये केवल आप भारत में देख रहे हैं, वो भगवान को जीवन के लिए बनाया इस वजह से। तो बहुत सुंदर भागवत में वर्णन है, था कृष्ण वादे वसुदेव आवते, जब वसुदेव ने कृष्ण को वहन किया उठाया तो स्वयं निरंतर यथा कम हो गए, जैसे सूर्य ज्ञान के अंधकार चला जाता है, वैसे जितनी बाधाएं वसुदेव के जीवन की भी तो इधर हथकड़ियाँ खुल गई, पैर की जोड़ियाँ खुल गई, जेल के गेट खुल गए, और कंस को सेंसर लगाया था, उसने पहले दिन भी बताया था, वो क्या उसका सिस्टम लगाया था कि दरवाजे के ऊपर एक बहुत बड़ी चट्टान रहती थी, और ऐसा सेंसर था कि कोई उस दरवाजे से पास करेगा तो चट्टान उसके सर पे अकेले रहेगी, वो सारे सेंसर
भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो कला आनंद सुन रहे थे किस तरीके से प्रकृति अपने सजाई, नदियां सजाई, सब सजाए, सबकी सेवा करने की इच्छा थी। चंद्रमा भी सेवा करना चाहते थे, पूर्ण चंद्र हो गए, बोले मैं भी कुछ सेवा करूंगा। सब लोग सेवा में लगे हैं, मेरे पास कोई सेवा नहीं है, मैं भी कुछ सेवा करूंगा। हमारे स्वामी आ रहे हैं तो हमें भी रास्ता है सेवा करने की। तो इंद्र क्या किए, एकदम बारिश कर रहे थे और थोड़ा बारिश बढ़ा दिए। पहले हल्की हल्की बारिश किए थे आनंद के कारण, हल्की हल्की बारिश चल रही थी, मगर अब बारिश बहुत बढ़ा दी है। तो बोलेगा कोई इंद्र ये कौन सी सेवा कर रहा है, परेशान है, कोई देखना नहीं है, वो है इतना सब संकट है उनके आगे, वो सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं और ऊपर से इधर बारिश करना शुरू कर दी है। तो इंद्र मन में विचार किया कि ज्यादा बारिश होती है तो व्यक्ति अपने अपने घर में चला जाता है, अगर कोई ज्यादा बचा तो अपने घर में चला जाएगा, या बारिश बहुत होने से दूर से वसूदेव को कोई देख नहीं पाएगा। तो इंद्र भी सेवा में लग गए, तब तक भगवान पहुंचे, वसुदेव पहुंचे यमुना। तो उस दिन तो यमुना मुझे दूसरा ही रूप दिखाने लग गए। क्या हुआ, यमुना और ज्यादा बढ़ गई, एकदम भयानक नदी के समान हो गई। मघोनी वर्षति सतत यमुना, यम अनुजा, यम यानी अगर यमराज की छोटी है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यमुना को उस दिन कम होना लगेगा, मगर यमराज की भय है ना, भयावह दिखाई दे रही, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी, तो बारिश में नदी तो बढ़ी जाएगी। तो जब वसुदेव लेकर जाने लगे तो धीरे धीरे यमुना का स्तर बढ़ने लगा। जैसे जैसे आगे बढ़े यमुना बढ़ने लगी, तो यमुना की इच्छा क्या थी कि मेरे प्रभु आए हैं, उनके चरणों का स्पर्श मुझको मिल जाता था। अब भगवान तो सबके हृदय की बात को जानते हैं, समझते हैं, पूरी तरह से समझते हैं। हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। अगर इस गांव के सभी लोग मिलकर हकों को प्रभु को अपने घर इकाई करके खाने के लिए आ रहा, तो वो भी सबकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, मर जाएंगे मगर खा नहीं पाएंगे सबके हृदय। अगर सब लोग सेवा ही करने का भी सोचे तो हम लोग सबसे सेवा ले भी नहीं पाएंगे। मगर भगवान ऐसे हैं कि जितने जीव हैं सबने अलग इच्छा, अलग स्वभाव, अलग सेवा की वृत्ति, अलग सेवा करना चाहते हैं, सबको एडजस्ट कर सकते हैं भगवान, हमसे कर सकता। तो भगवान यमुना की इच्छा को पूरा किए, क्या किए कि भगवान ऐसे अपना पैर निकालिए और यमुना को स्पर्श करके अपने चरणों का। तो यमुना को प्रथम स्पर्श मिला भगवान के चरणों का, क्यों, केवल सेवा करने की इच्छा के कारण भगवान को स्पर्श किए थे। सेवा शुरू नहीं थी और चरणों का स्पर्श होते ही हमने क्या कि भगवान को वसुदेव को रास्ता दे दी। रास्ता दे दी मतलब जिस रास्ते वसुदेव जा रहे थे वो तो एकदम शैल हो गया, नीचा हो गया, और दोनों तरफ ऐसी दीवार खड़ी हुई बर्फ थी। जैसे हम फ्रीजर में पानी रख देते हैं तो क्या बर्फ जल जाती है, तो वैसे यमुना इधर तो बर्फ जैसी और इधर बर्फ जैसी और बीच में एकदम शैलोनी थी। और वसुदेव आराम से देख रहे, अब तो इधर उधर कोई देख सकता है, कोई देख ही नहीं सकता। तो यमुना वैसे रास्ता दे रही थी, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे भगवान राम को समुद्र रास्ता दे रहे हैं, ऐसे रास्ता दे रही है। तो अब आगे लेके गए तो गोकुल में, अच्छा इधर बारिश तो हो रही थी, यमुना रास्ता दे दी तो क्या हुआ, ऊपर से तो पानी आ रहा था और वसुदेव को चिंता हो रही थी, मेरा लाला भी जाएगा तो बुखार हो जाएगा, फिर उसको कोई मछला हॉस्पिटल जाने के दमा पड़े। तो वसुदेव की चिंता को दूर करने के लिए अनंत शेष को हमें भी कुछ सेवा कर रहा है। तो अनंत शेष क्या सेवा किए, उनके बहुत सारे गुण हैं, तो अपने धनों से भगवान का छाता बना है। हम बता रहे थे कि अनंत शेष कोई सेवा का मौका नहीं छोड़ते, वो भगवान का भगवान बैठते हैं तो कहाँ पर, अनंत शेष, अच्छा कभी लेटते हैं तो कहाँ पर, कहाँ लेटते हैं, अनंत शेष पे लेटते हैं। और तकिया, तकिया किस तरह के हैं, तकिया अलग से नहीं रख रहे, अनंत शेष ही तकिए के रूप में उठाते हैं भगवान, उसी को तकिया उठाते हैं। और भगवान को कोई मक्खी मच्छर लगता है, चावल की जरूरत होती है, तो अनंत शेष ही पंखा भी लगता है।
अच्छा खाली बैठना भगवान को पसंद नहीं है, भगवान को अच्छा लगता है कि उनका कीर्तन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। भगवान को निरंतर अपना नाम कीर्तन सुनना बहुत आनंद देता है। तो आनंद शेष अच्छे हजारों लोगों से भगवान को कीर्तन सुनाते रहते हैं, कितना सेवा में विस्तार करते हैं। अच्छा अब ऊपर बारिश हो रही है तो छाता अलग से घुमाने का आनंद शेष ही छाते होते हैं। तो इतना सेवा करते हैं, इतना सेवा करते हैं कि कोई सेवा शेष नहीं छोड़े, इसीलिए उनका एक नाम क्या है शेष। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण गोकुल में पहुंचे और वहां पर सुतम यशोदा जो यशोदा की पुत्री हुई थी उसको उठा लिए बसेंगे और भगवान श्री कृष्ण को उसकी दवा कर रही है। अब यशोदा जो थी वो प्रसव के कारण उसकी वजह से थक के सोई हुई थी और गोकुल में सब लोग सोए हुए थे, कोई जगह नहीं था वहां पर। आराम से रखे वसुले और भगवान श्री कृष्ण को रख के वो योग महाप्रे कस के कारागार। अब जैसे जैसे वसुले मतलब घुसे थे एक एक गेट वापिस रखता गया जैसे ही अंदर पहुंचे तो हाथ में हथकड़ी करे जैसी और पैर में बेड़िया करे सब कुछ मेरे जैसा हो गया और इतनी देर तक योग माया रही। अब रोना कारण उसको पता है कब सब इस समय रोना है कब नहीं रोना है। तो योग माया जब रोना शुरू की उसकी रुलाई सुन के तब से तहदार सारे लग गए इस देश पे तहदार बदती है ना जय जय मुझे मार देगा तू विष्णु आ गया। चलो अब इतना चिंता के साथ जाने लगा कंस की 20-30 बार गिर भी गया इतना डर इतना बड़ा पड़ा है कि कभी खंबा पड़ता था कभी कभी पैर ठीक से रख नहीं पाता था सीढ़ी होती थी सीढ़ी देख गिर जाता था फिर उठता था जाता था खूब बार गिर गया खंबे से चोट खा रहे कैसे कैसे बेचारा कंस पहुंचा आदि पुरुष है ये स्त्री कैसे बन गया। तो बोला कि नहीं आकाशवाणी क्या आकाशवाणी थी आकाशवाणी हुई थी कि आत्मा गर्भ बनाएगा उसने ना तो स्त्री बताया ना पुरुष बताया ये भी है। तो कंस क्या किया देवकी से बच्चे को छीनने लगा तो देवकी बड़ा तमाम आभासा देवी कृपणा करुणम सती बड़ी करुणा सुनते भैया इसको छोड़ दो ये मेरी आठवीं पुत्री है इसको छोड़ दो ये तो तुम्हारी पुत्र बधु बनेगी तुम उसको आज छोड़ दो तुम इसको मारते हो। बहुत तरह तरह से देवकी विलाप कर करके बचाने की कोशिश की मगर वो खुद कंस क्या उसके मन में कभी दया आ सकती थी क्या क्या उस लड़की को दोनों पैरों से पकड़ लिया ऐसे कोई बच्चे को उठाएगा ये छोटा बच्चा और छोटा और एक हाथ से बच्चे के दोनों पैर को उठा के देख के उसको एक चट्टान पर फेंकने लगा चट्टान उठाया ऐसे फेंकने लगा तब तक वो चट्टान नीचे तो बने नहीं ऊपर आकाश में होके आठ उठा रही दुर्गा देवी के स्वरूप से होते मेरी आराधना देवी दुर्गा कैसे प्रकट हो गई और देवी दुर्गा भी क्या बोलती है वो एक ही तरीके से सब लोग बात करते थे कंस से अरे मूर्ख कंस देवी दुर्गा क्यों तुम देव बता क्यों मेरा हत्या मंद है मंद यानी मूर्ख अरे मंद क्यों मेरा हत्या मेरी हत्या करके तुझको क्या मिलेगा जाता फल
शांत कृतना तेरा अंत करने वाला तो कहीं और करना नहीं छोड़ा, मुझको मारने से क्या फायदा है और मुझको क्या यत्र पावा पूर्व शत्रु मां कौन जन्म ले गया कह पूर्व शत्रु तेरे पिछले जन्म का शत्रु जब तू काल में भी था तो जो विष्णु तेरे को मारा वही विष्णु कहीं और जन्म ले गया कहाँ जन्म ले गया तो बताने लायक नहीं है वो नहीं बताना किसी को मगर इतना दान लो कि वो कहीं और जन्म रह ही नहीं चुका तू क्यों मेरे वजह से इसी के प्रणाम था वृद्धा तू बेकार में ही हिंसा करते हो विकार में क्यों इतने बच्चों को मारते हो तो इतना देवी दुर्गा भूली आठ भुजाएं थी आठों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण की थी और उसके बाद वहां से अप्रकट हुए तब तो मन को बुद्धि आई बोला ये तो मेरी आराध्या देवी दुर्गा थी साक्षात और इतने बच्चों को मैं दिल ना मारा तो अब तो दीदी जीजा भी मुझको माफ कर दीजिए एकदम कंस एक बार भी सुधरते कि कंस क्या था कभी कभी सुधर जाता रहा मगर कंस का फ्रेंड सर्कल बहुत खराब था वो सुधर जाता था कभी कथा सुनता था देवकी का दर्शन करता था वसुदेव का दर्शन करता था श्री कृष्ण गर्भ में आए थे जब प्रवेश किया तो भगवान के थोड़े से संपर्क मात्र से कंस की बुद्धि सुधर जाती थी मगर जैसे ही वापस शराबी द्वारी नास्तिक लोग के बीच में जाता था उनकी बातों से प्रभावित होकर फिर भी बढ़ गया यही कंस के साथ होता था अब तो दीदी हमें माफ कर दो मैं कितना क्रूर हूँ मैं कितना पापी हूँ जैसे कोई अपने ही बच्चों को मारता हो ऐसे मैंने तुम्हारे जैसे पुत्र को मारा दीदी मैं कितना पापी हूँ कितना क्रूर हूँ हमें माफ कर दीजिए फिर उसने फिर से समझाने लगा कि देखिए जैसे घड़ा होता है आज एक आकार में है फिर टूट टूट के फिर एक दिन वापस मिट्टी हो जाता है मैं और देवी के चक्कर में सभी लोग दुखी है तो देवकी देवी भैया सुंदरियों का हृदय बड़ा कोमल होता है तो देवकी की भैया सुंदर की है तो देवकी को मुक्त जाने और वसुदेव जो थे तो वसुदेव बोले हाँ हाँ और वसुदेव बड़ा हंस के बोल रहे हैं लेकिन वसुदेव तो थे जो कंस एक मिनट में सुधर जाएगा एक मिनट में बिगड़ जाएगा ऐसे व्यक्ति विश्वास करने योग्य है क्या कभी विश्वास करने योग्य नहीं है तो वसुदेव हंस के बोले हाँ बात सारी यही है जो मैं ये शरीर हूँ ये शरीर से संबंधित मेरी वस्तुएं सब मेरी है कर करके तेरा मेरा नहीं हो करके जो झगड़े में फंसे रहते हैं इसी वजह से पूरा संसार दुखी है वो कटाक्ष कर रहे थे कर्ज के ऊपर कर तक तुम कोई फिलोसफी नहीं पता थी कि शरीर तो एक दिन जाएगा इसके लिए क्यों अपनी बहन के बच्चों को मारूं मगर आज बहन को समझाने के लिए तुमको सब फिलोसफी समझ में आ रही है कि शरीर का नित्य है देखो सबको एक दिन मन है और खुद के मरने की सूचना मिलेगी तो कुछ और दूसरे को मरना तो सब फिलोसफी करता है कि क्या उसका समझाना है तो इस तरीके से तो इधर की कथा हो गई अब वर्णन करते हैं कि नंद होगा मैं क्या हुआ तो यहाँ पर कंस छोड़ दिया देवकी को छोड़ दिया वसुदेव को छोड़ दिया वो लोग अपने घर गए और उधर में क्या हुआ कि नंद महाराज जब सुबह में उठे तो देखे कि कौन हुआ है नारा हुआ है बड़ा सुंदर सावला सोना और क्या उसकी भेंट क्या उसके सुंदर नेत्र एकदम कमल के पत्ते के समान बिल्कुल के समान लाल लाल रूप देखे वो चरण कैसे थे पूरा तो सामना था वो हाथ की हथेलियां पूरी लाल लाल ये पूरा का रहा सावला और ये पूरा लाल और इतना इधर से सुंदर श्रद्धा आधा निकल के एकदम वसुदेव देख के मुक्त हो रहे थे यशोदा मैया देखी वसुदेव देखे तो नंद महाराज देखे तो नंद को इतना आनंद हुआ इतना आनंद हुआ वो कल हम लोग जो गीत गाए वास्तव में वही कभी का मंत्र है कि तब नंद महाराज को उस आनंद की स्थिति में नंद महाराज 20 लाख गायों का दान कर दिए एक आजकल तो एक तो गाय किसी के पास नहीं है
सारे कसाई लोग के सब गाय को मार देते हैं। गाय को मारो और कुत्ते को पालो। जो गायों को हटाना चाहते हैं, गाय पालना वो अच्छा नहीं मानेंगे। अच्छा क्या बन जाओगे? रूपा जी कहते थे कि या तो तुम जीवड़ी गढ़ की सेवा करो, अगर जीवड़ी गढ़ की सेवा नहीं करोगे तो जीवड़ी गौ की सेवा करनी पड़ेगी। हाँ सेवा तो करना तो नहीं पड़ेगी। अब अमीर अमीर लोग कुत्ता लेकर घूमते हैं सुबह सुबह। अगर आप विदेशों में चले जाएंगे तो वहाँ पर एक नियम है कि यदि आपका कुत्ता सड़क पर छुट्टी कर दिया तो $300 है। तो विदेश में अगर कोई अपना सुबह सुबह कुत्ता घुमाता है तो हाथ में एक पगड़ी लेकर चलता है, एक बैग लेकर चलता है। वो जैसे ही कुत्ते वहाँ को प्रश्न करता है पगड़ी लगा सकता है, इसलिए कर और वो उसके बाद एक हाथ से कुत्ते को लगाम पकड़ रखता है घुमाने के लिए और दूसरे हाथ में टांग के रखता है वो तबूर तो ऐसी कुत्ते की सेवा लोग कर रहे हैं, गाय की सेवा लोग कर रहे हैं। पहले भारत में इतना सुख समृद्धि था, कितना दूर उतना था, 20 लाख गाय को नंद महाराज दान कर दिए, तो सोचिए कितनी गाय होगी उनके पास, कितना दूर होगा उनके पास। तो नंद महाराज गायों का दान किए, ब्राह्मणों को बुलाए, उनसे स्तुति समाधि पाठ कराए, कह रहे हैं कि काले धन उस वस्तुएँ किसी किसी रूप में पवित्र होती है, तो समय के साथ साथ कुछ वस्तुएँ पवित्र हो जाती है। और कुछ वस्तुएँ मतलब सबका एक अलग तरीका होता है, जैसे शरीर पवित्र होता है स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, और धन पवित्र होता है दान देने से। धन जो है हम लोग कैसे कैसे धन इकट्ठा करते हैं, तो धन कैसे पवित्र होता है उसको दान करने से धन पवित्र होता है। और आत्मा पवित्र होती है कैसे, भगवान का नाम कीर्तन करने से, आध्यात्मिक ज्ञान लाभ करने से आत्मा की पवित्रता होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बहुत सुंदर महोत्सव हुआ था महाराज का, जिसको हम गीत के माध्यम से सुनेंगे। हरे कृष्णा हरे बोलो कृष्ण कन्हैया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब उत्सव नंद उत्सव बोले थे ना, नंद उत्सव में बोले थे ना आप, दो तीन हैं तो भाई। हाँ तो बहुत सुंदर प्रकार से जन्म हो गया है, और जन्म के साथ साथ सब लोग नंद उत्सव मना रहे हैं नंद गांव में, और हम लोग भी आइए नंद उत्सव मनाते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
दर्जी लाइए। तो भगवान के जन्म वर्ष सभी लोग खाली बजाएंगे। आज दरबारे बधैया बाजे, आज नंद पारे 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 बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, Yeah, I'm gonna make it.
आप बैठ जाइए, इनको नाचे नाचे
तो आनंद की चीज है।
जिसको आनंद नहीं होगा वो भी बेहतर है। मैं तो खुद सच्ची बता रहा हूँ, ये जब गाना शुरू किए थोड़ा सा सुन थोड़ा सो उसको इच्छा हो रही खूब जब यही सेवा करते इतना आनंद में कैसे कोई खुशी हो सकता है। नंद महाराज के इतना सुंदर हुआ मगर नंद में इतना नंद ब्रज में इतना उत्सव हुआ और करोड़ों करोड़ों क्विंटल दूध वही लोग एक दूसरे को पर फेर रहे थे, हम कमी नहीं थी, पूरा सलग दही से भरा हुआ इतना सुंदर। अब नंद महाराज को एक चिंता हुई, क्या चिंता हुई कि वसुदेव के कितने पुत्र मारा था। अब ये कंस है, उस समय पर इतना आनंद था कृष्ण के आने से, इतना आनंद था पुत्र उत्पन्न होने पर कि कुछ ध्यान कीजिए कि खुल के उत्सव नहीं करना चाहिए, मगर अब मन में था कि इतना खुल के हम लोग उत्सव किए हैं तो कंस को सूचना मिल गई होगी कि मेरे को लड़का हो रहा है और एक नहीं दो तो दो भैया कौन भैया, एक तो कन्हैया और दूसरा बलराम जी गाय जी है भैया कृष्ण कन्हैया ना, दो तरह दो भाई एक बलराम और कृष्ण। थोड़ा नंद महाराज को चिंता हुई कि कहीं कंस और उसके आदमी नंद गोकुल में ना आए, तो अपनी इस चिंता को दूर करने के लिए नंद महाराज क्या किए, दो चार साल का जो कर था राजा को टैक्स जाता है ना, तो दो चार साल का टैक्स बैलगाड़ी में भर के दूध नहीं बैठा जाता था, तो जितना टैक्स का वस्तु था दो चार साल का बैलगाड़ी में ला लगाते चलते थे। कारण क्या था, इधर लाला जन्म लिया अभी दो चार दिन हुए नहीं और पिताजी निकल गए और आनंद तो भगवान को छोड़ के चले गए मथुरा, क्यों चले गए वो भगवान मथुरा छोड़ के नंद महाराज के पास आए, वो नंद महाराज भगवान को छोड़ के मथुरा चले गए क्यों, भगवान की सुरक्षा के कि कंस का कोई ऊंचा कंस का कोई आदमी कंस को सूचना मिलेगी कि नंद को जो लड़का हुआ है तो मैं अभी मिलेगा एक अभासुर का सुर पूछना ये तो कृष्ण की रक्षा के बारे में विचार करके वात्सल्य से बचे नंद महाराज दो चार साल का टैक्स लेके मथुरा की तरफ चले गए। मथुरा गए राजा कंस को टैक्स दिए टैक्स भरे, उसके बाद वसुदेव को सर्व सूचना मिली कि नंद महाराज मथुरा है, तो मौका देख के वसुदेव सोचे कि नंद से एक बार भेंट करके कृष्ण का समाचार पूछा था, पूछा के तो आया था कृष्ण को और उनसे से नंद वसुदेव सोचते रहते थे कृष्ण के बारे में, तो मौका मिल गया कि वहाँ से कोई समाचार लेके आया है और वो भी कौन स्वयं नंद है, तो एक तो नंद से मिलने की उत्सुकता थी और दूसरा अपने पुत्र कृष्ण के विषय में जानने की इच्छा थी, तो नंद महाराज से मिले सब कुछ पूछे, यशोदा के बारे में पूछे, रूही माता के बारे में पूछे, बाकी ग्वाले कैसे रहते हैं सुख से हैं गाय ठीक हैं और सब सब बारे में पूछे और बलराम जी के बारे में पूछे, मगर मुख से कृष्ण के बारे में पूछे ही क्यों नहीं पूछे कि कहीं अगर कंस का कोई अवसर सुन लिया कि कृष्ण के बारे में पूछ रहा था तो शक ना करे कि कहीं ये वसुदेव का लड़का होगा, तो सबके बारे में पूछे कृष्ण के बारे में नहीं पूछे, नंद महाराज को बताए कि सब ठीक है ये वो, तो फिर नंद महाराज होने लगे कि देखो क्या विधि का विधान है, हम इतना उम्र बढ़ने के बाद आज हमको पुत्र हुआ है, आपको छः छः पुत्र हुए कंस मार दिया, एक पुत्री हुई उसको भी कंस मारने लगा वो तो देवी दुर्गा ही थी, क्या मतलब विधि का विधान, तब तक वसुदेव कहते आप जाइए जाइए अब आप यहाँ से जाइए करो विवासी को तब तो आप देंगे ना वो ऐसे भी आप देंगे ना राकेश दिशा वैम चल और हम तो तुम्हें भी लिए भगवान की कृपा से, अब आप तुरंत गोकुल वापस जाइए क्योंकि निश्चित रूप से उत्पात शुरू हो गए दुनिया कोई उत्पात गोकुल में हो रहा था, तो इधर तो इतनी बात हुई और ये बात सुने कि गोकुल में कुछ उत्पात हो रहा होगा
नंदपति चिंतन हरे जगाम शरण उगम शंकित तो नंदपति जब नंद महाराज रास्ते से जा रहे थे तो वचस्व है वो वसुदेव के वचन को याद कर रहे थे। कैसे वचन? तो मन ने सोचे न मिश्य थी वसुदेव झूठी बात नहीं बोल सकते। यदि वसुदेव बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से गोकुल में कुछ ना कुछ उत्पाद हो रहा था। एकदम श्योर हो गया भगवान महाराज को। तो जो भगवान के भक्त होते हैं संकट में क्या करते हैं? हाँ, हरे जनाम शरणम भगवान हरि की शरण लिए तो ना एकदम पहले तो घूम रहे थे और उधर वसुदेव से मेरे बातचीत ये सब कुछ किए। अब बस ये बात सोच के कि गोकुल में कोई संकट आया हुआ उन्हें सपना माया बता के हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे। क्या चिंतन? हरे जनाम शरणम हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हमारा गोकुल आपकी शरण में है, हमारे रक्षक पालक करता आप हैं, हमारे गोकुल को रक्षा करना। भगवान का नाम जप करने लगे, स्मरण करने लगे और भगवान से रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। इसी को बोले हरि नाम शरण उत्पात आगर है शंकिता। उनको शंका हुआ कि कुछ उत्पात निश्चित रूप से हुआ होगा क्योंकि वसुदेव ऐसा हो गए हैं। और इधर क्या हुआ कि कंसे प्रेता घोड़ा पूछना पाए भाटे में। इधर मथुरा में एक तो कंस उधर गया था वसुदेव देवी को छोड़ दिया। उनको छोड़ने के बाद अगले दिन अपने सारे मिनिस्टर्स को फ्रेंड्स को बुलाया तो जितने उसके थे अकासुर बकासुर पूतना केशी युमासुर सब आए। सब आए तो कंस बताया कि ऐसे ऐसे वो आठवां पुत्र नहीं आठवीं तो पुत्री निकली वो तो हमारी आराध्या देवी दुर्गा मिली। अच्छा क्या बोली वो? वो बोली कि तुमको मानने वाला कहीं और जन्म दे चुका है। अच्छा जन्म लिया है मतलब कब जन्म लिया होगा? ये वो तो कुछ क्लियर नहीं बोली। तब तक पूछना हाथ खिला दी महाराज हम कुछ कहना चाहते हैं। महाराज ऐसा है ये चिल्ड्रन क्लेम कमीशन का हेड आप मेरे को बता दीजिए क्या करोगे? जितना बच्चे 10 दिन में या 10 दिन से पहले या 10 दिन के बाद के आसपास जितने बच्चे जन्म लिए नगर में गांव में वृद्ध में वो जहाँ करें सबको मैं मार दूंगी। तो कंस महाराज बड़े प्रसन्न हुए। देखिए एक तरफ कंस उधर गया था मगर जब फिर अपने मंत्रियों के बीच में बैठा तो मंत्री उसको बहुत चढ़ाते थे। बोले महाराज आपको किसी से डरने की क्या जरूरत है? बोले देवताओं से डर है ना, देवताओं के पक्ष में विष्णु है वहाँ से डर है। बोले अरे आप देव डर करते हो विष्णु से डर है। बोले विष्णु पूरी सबके हृदय में जाके छुपके बैठा है उससे क्या डर है? बोले अच्छा तुम शिव जी से डर बोले तो वैसे ही जंगल में रहते कैलाश में इतना दान करता है तो उससे भी कोई डर नहीं। तो बोले अच्छा इंद्र से डर होना चाहिए। तो बोले इंद्र से आप नहीं बात कर डर वो इतना डरपोक है ये देवता लोग तो तभी राइफल लेके घूमते हैं जब कोई शत्रु ना हो और शत्रु देवते ही तो डर भाग जाते हैं उससे कोई डर की बात नहीं है किसी के आप क्या लेते हैं। बोले अच्छा ब्रह्मा जी परमेश्वरी से भाई और वो तो तपस्या में लगा रहता है हमेशा गोविंद मानी पुरुषम प्रभु पंजामी और तपस्या में लगा ब्रह्मा उसको वो लड़ाई झगड़े में पड़ता ही। बोले अच्छा गुस्सा करके शाप दे देगा ब्रह्मा ये भी तो संभव है। बोले वो शाप देवता भी नहीं है क्योंकि देवता भी शाप देने से तपस्या नष्ट होती है इसलिए धर्म शाप वो आपको किसी से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे चापलूस लोग होते हैं इतना प्रशंसा करते हैं इतना चढ़ा देते हैं आदमी को
शत्रु को हमेशा आपके सामने रखना चाहिए, अपने को इतना महान नहीं मान लेना चाहिए कि कोई शत्रु ही नहीं है या कोई शत्रु माना कुछ नहीं होता। ऐसे ही है ना, कोई शत्रु है तो आपके सामने होना चाहिए। जब अर्जुन पहुंचे कुरुक्षेत्र की भूमि, बोले कृष्ण को कि दोनों रथ दोनों सेनाओं के बीच में सेना दोनों सेनाओं के बीच में राजा रथ स्थापित कर दीजिए। भगवान बोले कि बीच में क्यों रथ खड़ा करेंगे, कोने में रथ खड़ा करके एक तरफ नहीं करना, एक तरफ को मैं करूँ तो बीच में क्यों खड़ा करा था। बोले कि निरीक्षण, मैं निरीक्षण करूँगा कि युद्ध करने के लिए कौन कौन आया है। तो जिससे युद्ध करना है उसकी पावर को कम नहीं आंकना चाहिए, उसको आंखों के सामने रखना चाहिए शत्रु को। मगर ये चेले लोग चलाने वाले लोग साधु लोग इतना चलाते थे दर्शकों को कि कंस भी मान जाता था कि तुम ही सही लोग कर रहे हो, ये तो मेरा है कुछ नहीं है। बोले अच्छा, जहाँ तक विष्णु की बात है, विष्णु से तो वैसे ही किसी को प्रे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान हरि का तनु है, उनका शरीर है ब्राह्मण लोग विप्रा, हम ब्राह्मण को मारेंगे। और गावश गाय जो है ये वैदिक सनातन धर्म जो है ये विष्णु का शरीर ही है, वैदिक सनातन धर्म खत्म तो समझो विष्णु जी का ऐसा है नहीं, क्योंकि जब कलयुग पड़ेगा तो वैदिक सनातन धर्म प्राय लुप्त हो जाएगा, मगर उस समय भी तो भगवान विष्णु बनेंगे। विष्णु खत्म नहीं आएंगे, तभी तो कलयुग के रूप में आएंगे और सब कुछ खत्म करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। तो कुछ लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ करके ब्राह्मणों में प्रचार कर करके भगवान को भगवान बना दिया, ऐसा नहीं है। अगर पूरी दुनिया के सब लोग बेटी करें, अरे भगवान बहुत देर से शासन कर रहा है सब जगह उसी का बोलबाला चलता है, आज मीटिंग करके हटा देंगे भगवान को, हटा देंगे भगवान को। आप सोचिए पानापुर चौक के जितने कुत्ते हैं सब बच्चे से मीटिंग करें, ये मनुष्य सब जगह घूमने दिखाई देते हैं, हटाओ हटाओ सब मनुष्य को हटाओ। अगर सारे कुत्ते मिलकर भी मीटिंग करें कि ये मनुष्य मनुष्य कुछ नहीं होते तो क्या मनुष्य नहीं रहेंगे। उसी प्रकार से यदि सारे ये फल के भी सोचे कि भगवान को इस सृष्टि से खत्म करो हटा दो तो खत्म होने नहीं गए, वो हमेशा बने रहेंगे। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि कुछ लोग भगवान की बुराई लगा होते हैं, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई सूर्य के ऊपर थम होते हैं। आप लोग एक बार ऐसा मुंह पर लीजिए कि देखो शर्माई मत भागवत चले हुई हो, अब फूकिए ऊपर रेट फूकी है क्या हो रहा है ना, क्या हो रहा बताइए। वो अपने ऊपर ही पड़ेगा, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कोई सूर्य को देखते फूके अपने ऊपर पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही यदि कोई भगवान और उनके भक्तों की निंदा करता है उसको खुद ही पैदा करना पड़ता है, और यदि कोई भगवान उनके भक्तों की जयकारा बोलता है तो इससे भगवान की कोई जयकारा नहीं होती। आप समुद्र में जाइए दो चार बाल्टी क्या दस बीस बाल्टी क्विंटल कितना पानी डाल दीजिए क्या समुद्र बढ़ जाएगा, उसका लाभ होगा, कोई लाभ नहीं है। तो जब कोई भक्त भगवान का जयकारा बोलता है इससे भगवान का कोई जयकारा नहीं होता, उस भक्त का ही जयकारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इधर कहते हैं ये कि हम ब्राह्मणों को मारेंगे, गायों को मारेंगे, वैदिक संस्कृति को नष्ट कर देंगे, ऐसी फिल्में बनाएंगे जिसमें केवल वैदिक संस्कृति की निंदा करेंगे, सारे लोगों का ब्रेन वॉश कर देंगे। वो शराब की बोतलों में कोई पैसा बर्बाद नहीं होता, मगर शिव जी पर दूध ये बर्बाद हो गया है ना। वो जितने भ्रष्टाचार हैं बड़ी बड़ी पार्टी में शैंपेन की बोतल रखते हैं और ऐसे ऐसे हिला के खोलते हैं, वो पीते दो में गिला सारी देते हैं और उसमें उसका पैसा वेस्ट नहीं होता है। एंजॉयमेंट, लाइफ इज मेट फॉर एंजॉयमेंट। और शिव जी के ऊपर जल चलाते हैं तो इसे तो किसी गरीब को खिलाओगे पिलाओगे तो कोई गरीब नहीं रहेगा,
और जाते ही अगर फिल्म इंडस्ट्री के सारे लोग आप एक दिन का शराब पी उतना पैसा बचा के आप विश्व के गरीबों को खिलाओगे पिलाओगे तो एक साल का सबका भुगतान हो जाएगा। ये इतना करोड़ रुपए खर्च करके फिल्में क्यों बनाते हैं? केवल हम लोगों की स्नातक धर्म से श्रद्धा खत्म कर देते हो। ये सोचिए स्नातक संस्कृति कितना सुखमय है, कितना कल्याणमय है। इस समय आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्या सिनेमा हॉल ऐसा महसूस करेंगे? आज की डेट में जो सिनेमा बनती है, टीवी सीरियल बनता है, यूट्यूब पर वीडियो बनती है, सच्ची बोलते हैं कोई व्यक्ति अपनी माँ या बहन के साथ बैठे देख नहीं सकता, लज्जा है इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या एंटरटेनमेंट नहीं है? अरे एंटरटेनमेंट तो जितना भगवान की भक्ति में उतना किसी चीज में नहीं हो सकता। सुबह 4:30 बजे से नाचना गाना चालू हो जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सुंदर कीर्तन और डांसिंग, और कभी आप कथा सुने उसके बाद ऐसा होता है आपको नहीं मिला। प्रभुपाद जी कहते थे भक्ति कितनी सरल है, बस चैंटिंग डांसिंग और फीस्टिंग तीन नाम आपको करना है। भगवान का नाम जपिए, गाइए, कीर्तन कीजिए, कीर्तन में नाचिए और सुंदर सुंदर भोग लगा के भगवान को महा प्रसाद करिए, इतना आनंद है। एक बार की बात है, विजिस्ट्रेट पत्रकार पढ़ गया प्रभुपाद जी से, बोला स्वामी जी आप लोग इतना हरे कृष्णा कर रहे हैं, कभी कल को आपको पता चला कि कोई कृष्ण नाम की चीज ही नहीं है तो क्या होगा आप लोगों का? प्रभुपाद जी बोले कि ठीक है, हम लोग इतना हरे कृष्णा करते हैं, नाचते गाते हैं, हम लोग नाच रहे हैं, कीर्तन में गा रहे हैं, खूब सुंदर सुंदर महाप्रसाद पा रहे हैं, हम लोग तो भी आनंद है। कल को अगर पता चला कि कृष्ण नहीं है तो कोई घाटा? यदि कल को तुमको पता चला कि कृष्ण है तो तेरा क्या होगा? अब तुम पता चल जाएगा कि तुम्हारा क्या होगा। तो यदि ये बात को मान लिया जाए कि भगवान कहीं भी है तो भी इतना सुंदर भक्ति देखिए क्या घाटा है, फायदा ही फायदा है इसमें। कृष्ण महामृत में केवल फायदा है, दोनों हाथ में रखू कोई मसाल ही नहीं है। तो जितने असुर थे सब लोग निश्चित किए इसे करके कि तपस्या सब बंद करा देंगे, सत्य धर्म श्रवण श्रद्धा दया सब कुछ बंद करा देंगे तो सब लोग विष्णु को मारेगा। इस तरीके से सारे असुर अलग अलग दिशा में निकल गए और जहाँ तहाँ यज्ञ बंद कराते थे, ब्राह्मणों को सताने लगे, सब कुछ जितना भी यदि संस्कृति के कार्यक्रम थे सबको बंद कराने लगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आयु श्रिया यशो धर्म लोका नाशीष देव चल हंति शेषा सर्वाणी पुंसो मंद अतिक्रमण। जब कोई व्यक्ति महत अतिक्रमण महान पुरुषों का अनादर करता है तो उसकी ये सात चीजें खत्म होती हैं। क्या क्या? आयु, ये हो सकता है पूछना पड़ता है और 510,000 साल जी रहते मकर जैसे विदिन 11 ईयर्स भगवान 11 साल व्रत में रहे, 11 साल के अंदर अंदर सारे खत्म हो गए। जितना मीटिंग किए थे वो मीटिंग में जितना लोग बैठा था अगले 11 साल के अंदर अंदर भगवान सबको ये सत्कार रतन से सदाम करना। आयु और श्रेया, जितना कल्याण हो सारा खत्म हो जाता है। यश संसार की प्रसिद्धि, कुछ यश कमाए हैं वो खत्म हो जाता है और धर्म खत्म हो जाता है। आप कितना अपने को धार्मिक बोल लीजिए यदि महत अतिक्रमण होता है तो धर्म सारा जो बड़ा हो जाता है। और कह रहे लोका नाशीष है, अगर आपको संसार में कोई आशीर्वाद दिया, माता पिता भाई बंधु कोई आशीर्वाद दिया मगर महत पुरुषों का अनादर करने से, उनके प्रति साजिश करने से ये सब खत्म हो जाता है। हंति शेषाम सर्वाणी, जितना श्रेय जितना कल्याण है सब खत्म हो जाता है। सिद्धि गोस्वामी कहते हैं ये सब हरे के अपने इन लोगों का सर नष्ट हो गया, ऐसी भी चिंती है। तो कल से कविता बोला उतना बाल घाटी नहीं,
संत के कहने से वो पूतना गोपाल भाटी थी शिशु सचार निकलती पुर ग्राम रखाती अब नगर गाँव और ब्रज में आ गए। अब परीक्षित महाराज बैठ कर कथा सुन रहे सुखदेव गोस्वामी सुन रहे परीक्षित महाराज जैसे सुने कि पूतना बिल्कुल न पहुंची दुखी हुए परीक्षित महाराज बोले कि कृष्ण को मार देगी। आज समझ लो परीक्षित महाराज भगवान के भक्त हैं और जानते हैं भगवान को कोई नहीं मार सकता मगर वो तो हम लोग की तरह कथा नहीं सुन रहे थे। हम लोग तो ऐसे कथा सुन रहे कभी कभी कि हमें पता है कि आगे क्या हो रहा है नहीं पता है तो बहुत समय नहीं बताया। परीक्षित महाराज को क्या पता नहीं थी पता थी और कथा ऐसे भी सुन रहे थे कि हमको बहुत पता है। अगर किसी को पता भी नहीं होगी ये सब लीला है टीवी में देखने वाले सुने हो तो एक बात की मैं गारंटी देता हूँ कि जिस रूप में भागवत से यहाँ पर सुने इतना डिटेल में इन बातों को नहीं सुनाऊंगा कि वास्तव में क्या हो रहा तो कितना कुछ नया है ना। वो परीक्षित महाराज तो बिल्कुल लीला में घुस के कृष्ण के बगल में बैठ के कृष्ण कर सकते हैं तो जब देखे परीक्षित महाराज देखे नहीं सुने मगर देखे हम लोग सुन रहे हैं तो देख कुछ और है। और परीक्षित महाराज इतना आत्मसात करके कथा सुन रहे थे कि कथा सुनते हुए उनको दिखाई देता था कि बात था कि कितना कृष्ण को मारने के लिए आते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज का फेस देखे कि परीक्षित कितना डर गया तो बीच में बोलते हैं जहाँ भगवान की श्रवण कीर्तन रूपी भक्ति होती है वही भूत पिशाच प्रेत चंडाल आदि कोई काम नहीं कर पाती तो जहाँ साक्षात श्री कृष्ण है वहाँ ये पूजा कर पाएगी। मतलब अपने जीवन के कार्यकलाप जो है स्वकर्मसु अपने दिनचर्या के काम में लगा व्यक्ति सुबह शाम यदि भगवान का भजन करता हो ऐसे व्यक्ति के आस पास भी भूत पिशाच नहीं मचा सकते सब उसमें बिगाड़ कर सकते हैं। जिन भगवान के भक्त का नाम लेने से भूत पिशाच निकट नहीं आ रहे महावीर को नाम सुना गए जिन भगवान रामचंद्र के भक्त का नाम लेने से हनुमान जी का नाम लेने मात्र से कोई भूत पिशाच निकट नहीं आ रहे तो वो भगवान साक्षात राम का संकीर्तन करेगा कोई तो वहां भूत पिशाच की सकते क्या। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी काम खूब किया करते थे विदेश में दो जगह और भारत में एक जगह प्रभुपाद जी भूत भरता भी है अचानक कुछ कुछ पुराने ऐसे ठंडा घर होता है प्रसिद्ध हो जाते हैं यहाँ भूत रहता है तो ये बहुत बड़ा मकान था कानपुर की तरफ है तो प्रभुपाद जी खूब प्रसिद्ध था और उस जमाने में वो बहुत सस्ते हैं मतलब जितने में उसका रेंट होना चाहिए भाड़ा होना चाहिए उतने में पूरा बिल्डिंग प्रभुपाद जी खरीद लिए। वो प्रसिद्ध था कि वहाँ पर भूत रहते थे तो कोई उसको खरीदना नहीं चाहता था कोई वहाँ रहना नहीं चाहता था प्रभुपाद जी उसको खरीदे और वहाँ गए वहाँ बैठ के भगवान के कीर्तन किए सारे धूप उठा गए। विदेश में भी दो बिल्डिंग प्रभुपाद जी ऐसी खरीदे जिसमें भूत पिशाच थे प्रभुपाद जी कुछ नहीं किए भक्तों बोले कि प्रभुपाद जी वहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस होता है कि भूत है ये है वो प्रभुपाद जी बोले कि तुम लोग जाओ वहाँ पर और भगवान के नाम का कीर्तन करो। और जैसे ही भक्तों वहाँ बैठे और भगवान के नाम का कीर्तन किए उस दिन से कोई भूत पिशाच नहीं करता एकदम पक्की बात है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई भूत पिशाच ये वो सब सकता है किसी ओझा ओझा के पास जाना की जरूरत नहीं है वो कृष्ण रूपी ओझा ले आइए उसका नाम लाइए आपका सारा भूत पिशाच दूर हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मात्र श्रवण आदि जी जहाँ भगवान का श्रवण कीर्तन रूपी भक्ति होती है वही भूत पिशाचियों का कुछ नहीं करता तो जहाँ गुरुकुल में साक्षात श्री कृष्ण है वहाँ क्या बिगाड़ लेगी कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये पूतना जो थी तो बहुत विशाल वृक्ष थी
मगर भरत शंकर भाई तो अपने स्वरूप में नहीं आए, त्रिमूर्ति बन के आए। जैसे भरत की गोपियां गोपी ड्रेस पहनती, वैसी एकदम गोपियों जैसी ड्रेस पहनती, एकदम पतली और सुंदर, खूब इतनी देखने में सुंदर लगती थी कि जब भरतवासी देखे तो आप लोग को देख के उपेक्षा कर रहे हैं, कहीं लक्ष्मी जी अपने पति को खोजते रहे तो नहीं आ गए यहाँ पर। सोचिए इतना सुंदर लग रही थी, इतना सुंदर लग रही थी। और जब नंद भवन में घुसी, अब भरत में किसी बच्चे को नहीं मारी, सीधे नंद भवन में घुसी, और नंद भवन में घुसी तो देखी कृष्ण को। तो कृष्ण कथा तो सुनी थी घूमना, मगर कंस के मुख से सुनी थी। वो भगवान के भक्तों से सुनती तो भगवान में प्रेम होता, वो कंस के मुख से कृष्ण कथा सुनी थी कि कृष्ण ऐसा दिखता है, ये है वो है भी, विष्णु सवरे दिखते हैं दास को था। अब भूतनाथ के मरने के बाद ये समाचार ठीक ठीक पहुँचा भरत में कि वास्तव में कृष्ण कैसे दिखते हैं, मगर एक अरदास था ऐसा दिखता है। तो देखिए कि ये लाला बहुत सुंदर दिखाई देता है। अब इतना वास्तव में दिखाने लगी सब झूठ था, हाय लाला मेरा बच्चा प्यारा प्यारा, और ऐसे बात कर रही थी, ऐसे बात कर रही थी कि एक बार यशोदा माता भ्रम में पड़ गई कि इतना प्रेम तो भरी कन्या को नहीं करती जितना ये करती है। और नंद भवन में घुसी वो पढ़ने में कन्हैया थे, वो कन्हैया को गोद में उठा ली, यशोदा रोकी नहीं, रोहिणी रोकी, वो लोग सोच रहे कि इसको करके बता, इतना प्रेम तो हम लोग के अंदर भी है, इतना प्रेम करती है, ऐसा कुछ लोग प्रेम का दिखावा करते हैं कि थोड़ी भी भ्रम में पड़ता है। इस संसार में तो आजकल जितना है सब प्रेम का दिखावा है, आप जितना फोन पे घर पर सुनते हैं आई लव यू, उन्हें कोई आई लव यू नहीं है, ये सब है आई लस्ट यू। मगर हम ऐसे उनसे बोले आई लस्ट यू उसको ठक कर बोलते हैं, गंदगी पता ना चले, गंदगी को साफ कर दें तो सबसे अच्छा, मगर आप चाहते हैं आजकल लोग गंदगी साफ नहीं करना चाहते, कहीं गंदगी होगी ठक हो पता नहीं चलनी चाहिए। अरे भैया भगवान की भक्ति करो, नाम भजन करो, इस लस्ट को दूर करो ना, तो गंदगी को साफ तो करना नहीं है, गंदगी तो रहेगी और मुंह से सबके सामने बोल कैसे देंगे गंदगी है, तो ढकते हैं उसको, कैसे ढकते हैं, आए लक्ष्मी ना बोल के बोलते हैं आए प्रभु, मतलब तो कदम नहीं है वास्तव में। आज मेरे प्रीति माता का नाम काम, कृष्ण इंद्र की इच्छा धरे प्रेम नाम, प्रेम और नाम की परिभाषा शास्त्र में दी गई है। ये जो हम अपने को सुखी करने के बारे में जितना सोचते हैं है ना, इस संसार में जो संबंध जोड़ता है वो दूसरे को सुखी करने के लिए, वो उससे खुद सुख प्राप्त करना चाहता है उसके लिए, इसको नष्ट बोलते हैं। और कृष्ण प्रीति, कृष्ण इंद्र प्रीति माता तार भरे प्रेम, प्रेम किसको बोलते हैं, हम ठाकुर जी को खुश करके, ठाकुर जी को संतुष्ट करने के लिए जो चेष्टा करते हैं उसको प्रेम बोलते हैं। इस संसार में प्रेम नहीं सकता, प्रेम केवल एक व्यक्ति कर सकता है, वो कौन है, वो है भगवान, और बाकी सब काम ही है, प्रेम है ही नहीं। इतना प्रेम दिखाई है झूठ मोटा, झूठ मोटा कि हाय लाला हाय मेरा बेटा, और गई और सीधा कृष्ण को गोद में उठा ली, ये अपने स्तन के ऊपर एकदम भरा हर अभिष्ट लगा के आई थी, वो ऐसा अभिष्ट था जैसे पोटेशियम साइनाइड होता है, आप थोड़ा सा जीवा पे टच कर दो वो आपका हरी बोल होता है, मर जाए, एकदम भरा हर अभिष्ट लगा के आई थी। तो तुरंत कृष्ण को गोद में उठा ली और अपना स्तन दे दी कृष्ण के ऊपर, हाय लाला हाय मेरा बेटा, हाय लाला हाय मेरा बेटा, और भगवान भी कस के पकड़ लिए माँ के रूप में ये। मगर वहां पर जैसे ही भगवान उसको पकड़े अपनी आंखें बीच देख करके थे, तो अनेक आचार्य बड़े सुंदर उपेक्षा देते हैं कि भाई भगवान आंख क्यों बीच लिए, तो एक आचार्य लिखते हैं कि भगवान इससे आप व्रत कर लिए कि मैं व्रत में आया दूध मक्खन खाने के लिए, तो ये जहर कुछ आचार्य लिखते हैं कि असुरों का वध करने तो आया था मैं, और रामलीला में भी पहली बार असुरनी को मारना पड़ा, यहाँ भी मेरे को पहले माता जी को पूरे करने पड़े, ये स्त्री को देख के नहीं मारेगा, तो करके मारेंगे स्त्री को, मारना नहीं चाहिए ना शास्त्र में, निषेध है स्त्रियों को आप पिटाई नहीं कर सकते, तो
उसमें ज़्यादा बहुत भारी बात लगता है स्त्रियों को तलाक बताने से उनको मारने से, तो स्त्री को वध करना है तो बहुत भारी बात करेगा, भगवान को पालते रहे और बात करते रहे। एक आचार्य रहते हैं उसका नाम था पूतना, पूत मतलब पवित्र और नाम मतलब नहीं, जो किसी एंगल से 1% पवित्र नहीं है वही है कौन पूतना। तो भगवान इसलिए आप भक्त करेंगे कि मेरे सामने कोई पाप टिक नहीं सकता, अगर मैं आप खुली रखूंगा तो बेचारी आके नाटक भी कर पाएगी पूरी बात हमारे सामने तो चलेगा ये पाप नहीं तो मैं आपको के रखता तो देर से ही मान जाएगी। अनेक आचार्य बड़े सुंदर सुंदर उपदेशा दिए भगवान आप भक्त लिए और जब उसका दूध पीने लगे तो ऐसा दूध पीने लगे कि दूध के साथ भगवान प्राण भी पीने लगे। एक आचार्य लिखते हैं कि वही भगवान आप इसलिए बता रही है कि मैं तो दूध पीने आया हूँ और ये जहर पीने का काम है शिव जी का, तो हाथ बंद करके शिव जी को बोल देते आप अपना हिस्सा ले लीजिए तो अपना हिस्सा ले लेते हैं। तो इसीलिए सार उषा रोष को साथ लिए, रोष को साथ मतलब रुद्र को शिव को साथ लिए और भगवान उसके स्तर दूध के साथ उसके प्राणों को भी पीए। अब जब भगवान एक तो पीने लगे तो मुझ दे अलमेथी अरे छोड़ दे बेटा छोड़ दे, तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हम पकड़ना चाहते हैं छोड़ना हमने सीखा नहीं है, जिसको एक बार पकड़ लेते हैं भगवान अब वो कितना ही अपना पेट छुड़ाने की कोशिश करे छोड़ नहीं पाते, छोड़े वो जानते ही छोड़ना, कितने लोग ले लेते हैं जब माना जब करने लगते हैं भागवत कथा सुनने लगते हैं कभी वृंदावन चले जाते हैं एक बार कृष्ण पकड़ लिए तो आज तक कभी किसी को छोड़ नहीं है। अगर किसी तरीके से पेट छुड़ा के भाग लगे अरे हम नहीं करेंगे भक्ति इसमें बड़ा मेहनत पड़ता है जब करो ये करो वो करो, भगवान ऐसा उसके जीवन में करेंगे वापस उसको अपने चरणों के पास ले आते हैं, थोड़ा जानते ही नहीं है तो छुड़ा के भागोगे तो चुटिया से पकड़ के खींच के ले जाए छोड़ेंगे नहीं तुमको, तो बोल दिया अरे मुझ दे मुझ दे राक्षसी ये बालकों को मारने वाली किसी और को मारने वाली पाप नहीं, मगर कोई बच्चों की हत्या करे तो महापाप नहीं माना जाएगा। और क्या ड्रिंक पीती थी ये कोका कोला स्प्राइट मारा नहीं पीती थी रुद्राशना कौन पीती थी बच्चों का रुद्राशना, ये इसका फेवरेट ड्रिंक था। जब इसको कभी कोई पूछता था कि कुछ पानी लेके आए क्या पानी खून लेके आओ रुद्राशना, ये खून पीने वाली जिधा सया पी मारने की इच्छा से आई थी हरे स्तनम दत्वा, मगर भगवान श्री कृष्ण को दी तो देने से अब सदगति भगवान इसको सदगति प्रदान कर दिए, पूतना को मारे और मारने के बाद उसको अपने धाम में मां बना के ही रख दिए। भगवान ये नहीं देखे कि ये कपट कर रही थी, भगवान ये नहीं देखे कि झूठ मुख की मां बन के आई थी, भगवान बस इतना देखे कि मां की नकल तो कर रही थी कम से कम गोपी ड्रेस पहन के तो आई थी है ना, तो भर्ग बने नहीं पिता कंठी भी धारण किए धोती कुर्ता भी डालिए, वो भी भगवान एक बार को कंसिडर करेंगे कि अरे कम से कम इतना तो दिया। एक बार की बात है कि रावण को सब लोग समझाते थे कि तुम सीता को वापस कर दो नहीं मानता था वो, सीता माता को रावण बहुत समझाता था सीता माता नहीं मानती थी, तो एक दिन कोई उसको बोला कि रावण ऐसा करो तुम राम का वेश धारण कर दो और तब सीता के पास आओ तो पकड़ नहीं पाएगी कौन है, रावण बोला कि ये उपाय अच्छा है, तो रावण बिल्कुल राम जी की फोटो मंगाया व्हाट्सएप पर जैसे तैसे पता नहीं राम जी कैसे दिखते हैं, और उसके बाद बिल्कुल मान लिया और राम जैसा ड्रेस पहनने लगा पीत वस्त्र ये वो सब पहनने लगा, तो केवल राम जी का वेश बनाते बनाते रावण के मन में सीता के प्रति मातृभावना जागी। बड़े खतरनाक
इधर जब गोपियां देखी कृष्ण को तो उठाई, कृष्ण अभी खेल ही रहे थे दुर्गा के ऊपर, छोटे से एकदम हंस रहे आनंद में उठाई। तो यशोदा माता सबसे पहले क्या किए कि अभी कृष्ण को गाय के मूत्र से स्नान कराएं और कुछ कुछ और उपचार किए। क्या उपचार किए तो उनको भगवान के नाम से युक्त तिलक लगाए, नेहा लगा के बड़ी वो पिशाचनी थी क्या थी उसका क्या कुछ नेगेटिव इफेक्ट बच्चे के ऊपर हो, तो नेहा लगा के उनको ऐसे बारह जगह पर तिलक लगाए। जैसे तुम लोग लगाए ना आप लोग सब, आप में से बहुत सारे लोग नया नया तिलक लगाए, जब पता चल रहा है कि ये दो तीन नहीं आप लोग उधर सिखाया तो कम से कम अच्छी चीज सीखे। तो भगवान को भी यशोदा मैया तिलक लगाई और तिलक लगाते समय मंत्र भी बोलती थी, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। तो क्या करता है कि तिलक जो होता है इसको रक्षा तिलक बोलते हैं, माथे पर लगाते समय ये ओम केशवाय नमः, भगवान केशव तुम्हारे मस्तिष्क की रक्षा करे। नाभि की तरफ लगाते हुए ओम नारायणाय नमः, ओ भगवान नारायण तुम्हारे उदर की रक्षा करे। ओम हृदय के पास लगाते समय ओम माधवाय नमः, ओ लक्ष्मीपति भगवान तुम्हारे हृदय की रक्षा करे। और ओम गोविंदाय नमः, ओ भगवान गोविंद तुम्हारे कंठ की रक्षा करे, गोरक्षा तुम्हारे कंठ में गोविंद का नाम रहे। तो ऐसे विभिन्न अंगों पर तिलक लगा लगा के भगवान के नाम को देखिए, भगवान की रक्षा करने के लिए भी भगवान का नाम लिया जा रहा है। तो अगर भगवान की रक्षा भगवान के नाम से होती है तो फिर हम सब की रक्षा भगवान के नाम से क्यों नहीं होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बच्चे को चेक करने का क्या था, नहीं करते कि बच्चा ठीक है बीमार है, वो बच्चे को यशोदा माता खाना पिलाने लगी, वो पीने लगे खुशी खुशी, कृष्ण समझ गए कि स्वस्थ है। गाय उनसे चावल वावल दी और कृष्ण को देखिए स्वस्थ है। उधर नंद महाराज आए तो देखिए उस राक्षसी का लंबा चौड़ा शरीर, बोले इसको जला देना तो है, इसका दाह संस्कार करने में बड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो क्या किए सारे ब्रजवासी बनके छोटा छोटा उसका खाने के लिए नहीं, तो फिर लोग सोचने लगोगे कि कपड़ा पकड़ेगा हमको डेट करेगा हमको, कोई ब्रह्मवासी ऐसा नहीं था जो बोलेगी मैं पूर्णा की फिगर खाऊंगी, मैं पूर्णा का लेट खाऊंगा। ओ कोई कोई ब्रह्मवासी नहीं बोला। आप सोचिए कोई व्यक्ति पकड़ा खाता है, वो पकड़े के अंदर उसका कपड़ा पहले घास खाता है, वो घास घास को क्या बनाता है, मन बनाता है, वो मन उसके शरीर में रहता है उसको पका के खाता है। क्या बोलते हैं इसको, लेग फ्राई नहीं स्टूल फ्राई है, स्टूल भी फ्राई हो जाता है, उसके शरीर के कीड़े मकोड़े भी फ्राई हो जाते हैं, कोई चीज खाने लगते ठीक है तो पसंद करते हैं। एक ब्रजवासी ने बोला कि मेरे को पूतना का फिगर खाना है, मैं पूतना का चेस्ट मैं लेग खाऊंगा, सर पूतना के टुकड़े टुकड़े किए और कंस के बगीचे के पेड़ तो गिरे थे उस पर लकड़ी को लगा के पूतना के शरीर को जलाया। तो जब नंद महाराज उस रास्ते से जा रहे थे तो ऐसी खुशबू आ रही थी कि मानो अगरू जलाया गया हो। अगरू सुगंध होती है बहुत सुंदर, अभी तो आजकल ये सब सुगंधी होती नहीं है, अगरू की सुगंध आ रही थी। तो भाई एक प्रश्न उठता है कि संसार में साधारण आदमी को भी जलाया जाए, किसी पवित्र ब्राह्मण को भी जलाया जाए, किसी सन्यासी को भी यदि जलाया जाए तो उसके शरीर से सुगंधित पवित्र पवित्र आदमी को जला तो सुगंधि नहीं आएगी, और मछली जलाने पर सुगंध तो क्या ही नहीं है, वो तो मील गंदा और गंदी। तो पूर्णा को जलाने से इतनी सुगंध क्यों आएगी, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण को पूर्णा गोद में दी तो भगवान के चरणों का उनके अंग का स्पर्श पूर्णा से हो गया, और जब पूर्णा का भोग भगवान स्वीकार किए तो पूर्णा का पूरा शरीर ही चरणों में हो गया, वो भौतिक रहा ही नहीं। क्या हो गया,
आध्यात्मिक हो गया पूर्णा का शरीर। इसलिए जब उसको जलाया गया रहा तो पूर्णा के शरीर से अग्नि की खुशबू आई थी। तो ये स्पिरिचुअल साइंस है, वही फूल है। अगर आप अपने सुख के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो माया का पदार्थ है, भौतिक है। मगर ये ठाकुर जी के ऊपर चढ़ा दिया तो अब ये फूल जो है कोई साधारण फूल नहीं रहा, ये फूल भी आध्यात्मिक हो जाता है। वो जो खाना पकाते हैं वो सब पाप है, वो खाना पकाए सब कुछ पकाए अपनी तृप्ति के लिए। तो उसी भोजन को यदि हम ठाकुर जी को भोग लगा लेते हैं तो जब पेट बाहर निकलती है तो क्या वो भोग रह जाता है और क्या रह जाता है, अब प्रसाद बन जाता है। तो जैसे ही कोई वस्तु कृष्ण के संपर्क में आती है तो भौतिक से आध्यात्मिक बन जाती है। तो इस तरीके से पूर्णा का वध किया। भगवान वासुदेव उस समय गए ये देखकर पूर्णा मोक्षम कृष्ण कृष्णस्य अद्भुतम सुनिया श्रद्धा मध्य गोविंद लगते रहती है। जो व्यक्ति ये पूर्णा वध की लीला को सुनता है, आपने सुने सब लोग कौन कौन सुना हाथ कर दीजिए, में ही सुने सत्यवादी है माता है वही सुनी आपकी सर्वेगा सदगति मिल गई हमें क्या मिलेगा, है ना, हम भी तो मेहनत किए नहीं सुने। तो यहना मोक्षा जो ये पूर्णा मोक्ष की लीला को कृष्ण से अद्भुत चेष्टम जो कृष्ण की बाल लीला को सुनता है श्रोई श्रद्धा जो श्रद्धा पूर्वक इस लीला को सुनता है गुरुदेवते उसको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शुभ प्रेम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज ही वो शुभ दिन है जब भगवान पूर्णा को मारे गए और भगवान अपनी छठी के लिए जिस दिन भगवान छह दिन के थे आज छठी के है। तो आज ही के दिन भगवान पूर्णा को मारे गए, मेरी इच्छा थी कि आज ही के दिन लीला को कहा जाए और सुना जाए। भगवान जिस तिथि पर जो लीला करते हैं यदि उस तिथि को उसको सुना जाए तो उसका हजारों गुना का प्रभाव होता है। तो बहुत सुंदर ये लीला है भगवान की। इस तरीके से जन्म लिए नंद भवन गए कैसे एक एक असुरों को मार रहे हैं और ये सब वास्तव में हम सबके कल्याण के लिए भगवान के जगत में प्रस्तुत करते हैं, हमें विश्वास दिलाने के लिए कि जब ऐसे ही बाल आदमी पूर्णा को भगवान मारे और अपना धाम दे दिए तो अगर हम लोग श्रद्धा पूर्वक रोड बना कर ठाकुर जी के लिए फूल लाए खुद भोग लगाए उनको मारा लेके भगवान के नाम का जप करें भगवान का कीर्तन करें भगवान की कथा सुने तो ऐसे भक्ति करने वाले भक्तों को भगवान क्यों हमारे होते रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 तो ये भजन होगा और बहुत बहुत सुंदर हमारे महाराज ने समझाते हुए मतलब हम सभी को समझाते हुए बहुत सुंदर भगवान को जन्म कराए और पूर्णा का उद्धार करा दिए। उसके बीच में तमाम शिक्षाएं हम सभी को मिली हैं तो उन शिक्षाओं का आप लोग ग्रहण करें। इतना शिक्षा बताए आपको क्या बताएं खुद आप लोग सुन रहे हैं तो इस सब का आप लोग ग्रहण कीजिए और अपने अंदर उतारिए। और गुरु जी एक बार क्लास में बोले तो उनका उभार हो गया उनके मुझे प्रचार करते होगा तो मात्र एक ही साधन होता है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप लोग विश्राम को जब कीजिए प्रसन्न रहिए हरे कृष्णा प्रभु जी भजन गाएंगे इसके बाद भागवत क्लास है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की ओ भज के नंद लाला राधा जी।
Thank you.